नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल हमारा बिहार में। इस बीच लॉकडाउन में एक बहुत ही राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, 12 मई से ट्रेन चलाने की तैयारी हो गई है, जिसमें आज से, जी हाँ, यानी कि 11 मई से टिकटों की केवल ऑनलाइन बुकिंग होगी। इसमें काउंटर टिकट अभी नहीं मिलेगा और दिल्ली से चलने वाली इन ट्रेनों का किराया राजधानी के जितना ही होगा। खबर यह आ रही है कि रेलवे ने 12 मई से यात्रियों के लिए ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई है। जी हाँ, शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी ये 15 रूटों पर चलेगी और ट्रेनें दिल्ली से चलाई जाएंगी। 11 मई को 4 बजे रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा और इन ट्रेनों के टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर मिलेंगे। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि काउंटर टिकट अभी उपलब्ध नहीं होंगे और टिकट काउंटर पर नहीं, सभी कोच, AC और स्टॉप भी बेहद सीमित होंगे। इन ट्रेनों के में यात्रा के लिए राजधानी ट्रेनों के बराबर ही किराया देना होगा। रेल मंत्रालय के अनुसार टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए ही बुक हो सकेंगे। रेलवे और IRCTC के एजेंटों के जरिए टिकट बुक नहीं हो पाएंगे। तत्काल और प्रीमियर तत्काल का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। करंट बुकिंग भी नहीं किया जा सकेगा। तो आइए जानते हैं किन किन रूटों पर ट्रेन चलेंगी। ये पैसेंजर ट्रेनें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मंडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवई के लिए चलाई जाएंगी। अब आइए जानते हैं कि यात्रा के लिए रेलवे ने क्या क्या कहा है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद ही रहेंगे। प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर टिकट नहीं जारी किए जाएंगे। यात्रा के दौरान फेस कवर करना जरूरी होगा और डिपार्चर के वक्त स्क्रीनिंग भी की जाएगी। केवल उन्हीं यात्रियों को इजाज़त मिलेगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। केवल उन्हीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर आने की इजाज़त दी जाएगी जिनके टिकट कन्फर्म होंगे।